अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने सोचा था अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और सुबह मैं भूल गई। तो नाश्ता मैंने कर लिया, टाइम मैं दिखा दूं। टाइम 11 हो रहे हैं, नाश्ता हो गया है और ये मेरा सामान है, कपड़े हैं जो भिजवाने हैं कल इंशाल्लाह, क्योंकि आज कुरियर ऑफिस बंद होगा। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये नर्सिंग फ्रॉक्स है। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, मॉम टू बी क्लोथिंग, यार इनके इतने मज़े के और कंफर्टेबल मेटर्निटी और नर्सिंग क्लोथ्स है यार। और ये मैंने ख़ुद कस्टमाइज़ करवाई थी ये फ्रॉक, ये यहाँ से ओपन हो जाती है फीडिंग के लिए। ये यहाँ पे जिप है, ब्लर है एक ही साइड पे और दूसरी ये नहीं, ये नहीं है ये, तो ये फीडिंग के लिए बेस्ट रहती है। और एक ये वाली है, उधर मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और इधर, हाँ मैं ये भी जल्दी से दिखा दूँ। हाँ ये इसकी ये प्लेट है, इसकी पीछे जिप है एक इस साइड पे और दूसरी गहरी, और ये फ्रॉक स्टाइल है। तो ये दो नर्सिंग फ्रॉक्स मैंने मंगवाई थी और बाकी सामान तो बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मैं जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि आज मामू की तरफ जाना है इंशाल्लाह। तो क्या कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो कपड़े मेरे चेंज हो गए और ये लास्ट ईयर के हैं, जब मैं एजल पे एक्सपेक्ट कर रही थी तब मैंने बनवाए थे, खुले खुले से फ्रॉक है ये। तो चले अब मैंने इसलिए जल्दी से चेंज कर लिया क्योंकि नहीं, ये तो साफ है, ये मोबाइल इधर ही। तो कपड़े धो रहे हैं हम, तो ये मशीन में डालते हैं, जस्ट मेरे वाले धुल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत जल्द वापस जाने लगी हूँ। फिर कपड़े डालते हैं मशीन में, फिर दिखाती हूँ मैं। तो ये थोड़े बहुत कपड़े हैं मेरे ये जब पानी को देखती है तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो ये मैं कपड़े वॉश करती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। ये खाने में मैंने छोले बॉईल किए हैं सुबह, नाश्ता करते वक्त मैंने कुकर में चढ़ा दिया था इनको, तो ये अच्छे से गल गए, गरम है। और इसकी मैंने चाट बनानी है, अबू के लिए थोड़े से बना लूँगी मैं, और मम्मी तो कुछ और खाएंगे, भाई है नहीं कहीं गए मैं, तो क्या करना है, अबू के लिए थोड़े से छोले बना लूँगी, बाकी मैंने चाट बनानी है क्योंकि मामों के घर जा रहे हैं तो चाट वगैरह बना लेते हैं, समोसे और फ्राइज़ वगैरह, क्योंकि हम जब भी उनके घर जाते हैं वो बहुत अहतमाम करती है, मुझे इतना अजीब लगता है क्योंकि हम जाते भी माशाल्लाह बहुत है, क्योंकि मेरी नानी आई भी है गांव से, तो और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ ही मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं, वो इधर के साथ खुश होते हैं। तो ये थोड़े ठंडे हो जाए तब तक एक आलू बॉयल कर लेते हैं क्योंकि चना चाट में आलू अच्छा लगता है। तो आलू बॉयल करने रख देते हैं अब्बू के लिए, छोले बना लेते हैं थोड़े से, और फिर हमारा काम हो गया सारा। तो ये छोले तैयार हो गए अबू के लिए, शोरबे वाले, और अब बनाते हैं चना चाट जी। तो एजल सो गई है, टाइम है 12:45 और अभी मेरा लंच टाइम हो गया। ये मैंने रात को बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, तो मैं वही खा रही हूँ साथ में रायता। अभी मैं यहाँ भी जल्दी से चाट रेडी कर लेती हूँ, अभी 2 बज गए हैं तो खाने के बाद जाएंगे। तो इसमें मैंने आलू बॉईल किया था, ये डाल लेते हैं सॉस, तो मुझे स्पून चाहिए दही के लिए, इधर ही है ना, हाँ अच्छा ये है ना, चलिए। और इसमें डालते हैं दही, दही मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा,
दही डालूंगी, ऊपर से प्याज डालूंगी, धनिया डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी। स्पाइसी मैं नहीं करूंगी क्योंकि शायद नानी खा ले या उनके छोटे बच्चे हैं, स्पाइसी नहीं खाएंगे। तो ये बनाती हूँ, रेडी करती हूँ, फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो अभी एयर फ्रायर में फ्राइज़ बन रहे हैं और यहाँ पे मैं जल्दी से समोसा, आलू समोसा फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। और साथ में आइसक्रीम खा रही हूँ। तो समोसे फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे मैं दूसरी आइसक्रीम खाने लगी हूँ। और फिर लोग कहते हैं तुम खाती नहीं, इसलिए वेट नहीं गेन करती हूँ। मैं बहुत खाती हूँ यार, सीरियसली मैं बहुत खाती हूँ। मैं सारा दिन खाती रहती हूँ, 24/7 मैं खाती रहती हूँ, बट वेट मेरा नहीं गेन होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दूसरी आइसक्रीम खाते हैं, तब तक समोसे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी चाट और फ्राई समोसे तैयार हो गए थे, तो अब हम उनके घर जाने लगे थे। बस पैकिंग शैकिंग कर रहे थे, तो फिर हम चले गए थे, वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं की। तो बस, तो अभी यहाँ पे रात का डिनर तैयार हो रहा है, भिंडी और गोश्त मटन। तो मटन मैंने बॉईल कर दिया है प्याज टमाटर में, और अब यहाँ पे भिंडी फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार किस्म की भिंडी गोश्त तैयार है, और क्या, और मैं आपसे डिनर टाइम पे मिलती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो ये नेक्स्ट डे है और अभी मैं यहाँ पे हलवा पूरी खा रही हूँ साथ में चने। नाश्ता करके हम बाहर चले गए थे, तो आज नौरोज़ है, तो नौरोज़ के लिए कुछ चीज़ें लाई हैं। ये तो मेरी ट्विस्टो टॉफीज़ हैं, ये तो वहाँ लेकर जानी है यूएई, ये उधर ऐसी टॉफीज़ नहीं मिलती। ये ब्रेड है शुगर फ्री, ये सॉफ्ट है, और ये मैं खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। ये है 6 लड्डू और ये 6 लेमन टार्ट्स। हमारे घर में मीठा कोई भी नहीं खाता बट जस्ट मेरे अलावा, और ये इतने मज़े के हैं। तो इसको देखें, तो इस बार नौरोज़ का कलर येलो है, तो इसलिए येलो चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा हाँ, ये लड़की बिल्कुल पागल है, शैतान शैतान शैतान। तो ये था हमारा रात का डिनर। मैंने आलू चिकन बनाया था, साथ में रोटियां बन रही थी और मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी इस टाइम। तो बस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहाँ पे। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।